कांग्रेस पार्टी के चुनाव पर्यवेक्षक द्वारा बागली नगर पंचायत चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक ली गई। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दल सक्रिय होने लगे हैं। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षद उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई, उम्मीदवारों के नाम के आवेदन लिए गए। इस अवसर पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रामेश्वर गुर्जर की उपस्थिति में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव को लेकर पर्यवेक्षक द्वारा चर्चा की गई। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजित किया गया, तो क्या उद्देश्य पूरी बैठक का? आदरणीय मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देशन अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में सभी नगर पंचायत नगर पालिकाओं के लिए प्रभारी नियुक्ति किए गए हैं। हम लोग यहाँ पर आज सभी जो दावेदार हैं अध्यक्ष के और पार्षदों के, उनके हमने आवेदन लिए हैं और यह रायशुमारी की जा रही है, जिससे कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी का नगर पंचायत अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी का बोर्ड यहाँ बन सके। इसके लिए रायशुमारी के लिए हम लोग आए हैं और एक आम समन्वय से बागली आने पर यह महसूस हुआ कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं में अच्छा जोश है और कांग्रेस का निश्चित तौर पर बागली में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। आज कितने के आवेदन प्राप्त हुए हैं आगामी चुनाव को लेकर? लगभग अधिकतर वार्डों में 2-3 वार्ड नाम आवेदन आए हैं। अध्यक्ष के लिए भी 4-5 लोगों के नाम आए हैं। इनमें से जो भी रायशुमारी के बाद और हम लोग कुछ अन्य वरिष्ठ लोगों से और संगठन के लोगों से चर्चा करने के बाद जो लोग जीतने के योग्य होंगे उनके नाम आगे आदरणीय कमलनाथ जी को प्रेषित करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।